प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे एक हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि उसका उद्घाटन कर दिया है। तो इसमें जितना भी मड़वा लगाया जाएगा, जितना भी झुमरा लगाया जाएगा, जितना भी ये हमारे यहाँ का होने वाला जितना भी उत्पाद है, जितनी फसलें हैं, वो सारा का सारा सरकार खरीद लेगी, चाहे सहकारिता के माध्यम से, मंडी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। इससे सबको कहिए कि मड़वा जरूर हो रहा है। आभार मुख्यमंत्री महोदय, समय अभाव के कारण अन्य लाभार्थियों से संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। अब मैं बहुप्रतीक्षित गोपी सर को की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद से अभिसंचित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, गोपीनाथ भगवान की, गोपीनाथ भगवान की, रुद्रनाथ भगवान की, रुद्रनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। आज गोपेश्वर के इस लाभार्थी सम्मान समारोह में मंच पर आसीन आप सबके बीच में जिन्होंने अपना बाल्यकाल से लेकर अब तक अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है, इसी जनपद चमोली के बेटे भाई जिनको हमारी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, वो प्रदेश अध्यक्ष और साथ में अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हम सब लोगों ने प्रदेश की सेवा करने के लिए अभी वो राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं, ऐसे हमारे जुझारू और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी एक कर्म भूमि रही है, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और इस गढ़वाल लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद सहजता सरलता और निश्चलता जिनकी पहचान है, और आप जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से है। हमारे बड़े भाई के रूप में हम सब संगठन में काम करते थे। आदरणीय तीरथ जी हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय अनिल नौटियाल जी थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भाई गोपाल राम टंटा जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, श्री रमेश मैथुरी जी उत्तराखंड जलागम परिषद के उपाध्यक्ष, आदरणीय रमेश गढ़िया जी
लोकसभा गढ़वाल के प्रभारी श्री पुष्कर काला जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह जी, उपाध्यक्ष जीकेटीसी किशोर पवार जी, संयोजक लोकसभा विजय कपड़वाण जी, जिला महामंत्री राकेश जोशी जी, निवर्तमान नगर पालिका की अध्यक्ष बहन पुष्पा पासवान जी, संयोजक हमारे बद्रीनाथ विधानसभा श्री गजेंद्र रावत जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई महावीर जी जो हमारे नीचे बैठे हुए हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप जी, कर्नल हरेंद्र जी, युवा मोर्चा संयोजक चंद्रकला तिवारी जी, प्रदेश सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ हरेंद्र जी, मंडल अध्यक्ष नगर श्री महेंद्र राणा जी, मंडल अध्यक्ष दसोली वल्लभ प्रसाद थपलियाल जी, हमारे पार्टी के सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं सभी हमारे आज बड़ी संख्या में पधारे हुए यहाँ पर हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के हमारे मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी, हमारे साहजी श्री सीडीओ, एसपी रेखा जी एवं सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस लाभार्थी सम्मान समारोह में उपस्थित हुए, आप सब ने यहां पर आकर मेरे साथ आरबी महेंद्र भट्टी का, हमारे गढ़वाल लोकसभा के सांसद आरबी तीरथ जी का, हमारे विधायकगण का, सबका आपने जो उत्साह बढ़ाया, जो आपने अभिनंदन किया, रास्ते भर स्वागत किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि लगभग 12 बजे हम लोग यहां पहुंच गए थे, और 12 बजे से लेकर अभी तक जितने लोग यहां कुर्सियों में बैठे हुए हैं, सारे के सारे उतनी ही संख्या है, एक भी संख्या कम नहीं हुई। और आपने रास्ते पर जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमारी माताओं बहनों ने यहां मंच से मंगल गीत गाए, हमको अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है, इस कालखंड में शायद भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ नहीं मिला होगा। किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, किसी को गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला है, किसी को स्वच्छ भारत में जो इज्जत घर बनाए गए हैं उसमें लाभ मिला है। लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है, और एक 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 व्यक्ति को, एक एक परिवार को कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इस पवित्र भगवान गोपीनाथ की धरा पर विभिन्न योजनाओं को, लाभार्थियों को आज यहां पर जहां सम्मानित करने का अवसर मिला है, वहीं विकास की बहुत सारी योजनाओं को, जिसमें 229 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। कुल शिलान्यास में से 138 करोड़ 90 लाख की योजनाओं का शिलान्यास बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत, 28 करोड़ 55 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास माणा मास्टर प्लान के अंतर्गत भी अभी यहां पर हमारे द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जल जीवन मिशन,
उसके अंतर्गत भी 13 करोड़ 26 लाख की लागत की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास किया गया है, जिसमें 99.85% यानी कि 76,408 परिवारों को जल संयोजन यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। भाइयों बहनों, आज आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारना, ये जल सैलाब हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के चेहरे पर, अपनी माताओं बहनों के चेहरे पर, और अभी हमारी बहन की जब यहाँ पर रामेश्वरी देवी थी, जिस प्रकार से आज बता रही थी, जिस प्रकार की सरकार की योजनाओं की चर्चा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो उन्होंने केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि वो तो इसका प्रशिक्षण दे रही हूँ, दूसरे लोगों को भी सिखा रही हूँ। इस प्रकार से फटाफट बोल रही थी, एक के बाद एक किस प्रकार से उनको लाभ मिला है। आपके चेहरों पर ये मुस्कुराहट, और जब मैं खुशी देखता हूँ तो सचमुच मुझे लगता है कि जो हम लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो मेहनत हमारी सफलता की ओर बढ़ रही है, हम सफल हो रहे हैं। आपका ये उत्साह और उमंग और आपका ये उपस्थिति निश्चित रूप से मुझे और अधिक काम करने की प्रेरणा देती है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। मैं पिछले दिनों लंदन गया था, मैंने वहां देखा, मैं दुबई गया था, वहां देखा किस प्रकार से आज लोग हमारे देश की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किस प्रकार भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, एक श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है। यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड का प्रतिफल है कि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। एक समय वह भी था, हमको याद करना चाहिए, अभी तीरथ जी बोल रहे थे, अभी महेंद्र भट्ट जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि एक समय था जब भारत की पहचान एक डब्बू और पिछलब्बू भारत के रूप में हो गई थी, विश्व के मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। अन्य बातें छोड़िए, जो भारत के हित की बात होती थी, भारत के पक्ष में होना चाहिए था, उनकी बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बच गई थी कि डब्बू भारत, पिछलब्बू भारत, उस पहचान से उभारने का काम विश्व के अंदर आज कोई घटना होती है, कोई विश्व के अंदर संकट आता है, कोई चुनौती आती है, तो आज पूरा विश्व, पूरा संसार ये देखता है कि भारत की सरकार का रूप क्या होने वाला है, भारत का, भारत देश क्या कहने वाला है, इसमें भारत के विचार क्या होने वाले हैं। इस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भाई बहनों, ये स्थापित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारी सरकार भी आज योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के लगभग 20 स्थानों पर, अनेक स्थानों पर आदरणीय तीरथ जी आप ही के यहाँ पर हम लोग पिछले दिनों आए थे, उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें इकट्ठी हुई। अभी हम कोटद्वार में थे, हम कल बाजपुर में थे, इससे पहले हम बड़कोट में थे, पौड़ी में थे, हम रुद्रप्रयाग में थे, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, हर एक जिले में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, देहरादून में, जहां भी हम गए, हजारों हजार की संख्या में आकर हमारी माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया। ये इसका एक तरह से प्रत्यक्ष तो प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं देख रहा हूं हमारी माताएं बहने हमारे काम को किस तरह से आगे बढ़ा रही है, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत देश का रहने वाला गरीब, समाज के अंतिम छोर में रहने वाला
जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसको शासन की सहायता नहीं मिल रही है, सरकार की सहायता नहीं मिल रही है, उसको योजनाएं मिलने का काम प्रारंभ हो गया है, योजनाएं उस तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अगर पिछले 10 सालों की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, निशुल्क खाद्यान्न से लेकर बिना किसी शुल्क के इलाज की व्यवस्था हो, किसानों के बात से लेकर गरीबों के आवास हो, या सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में आज अभूतपूर्व तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मार्च महीने से 2020 से लेकर अभी तक खाद्यान्न देने का काम हो रहा है। किसी के घर का चूल्हा न बुझे, जो कोरोना महामारी में गरीब कल्याण योजना प्रारंभ हुई वो योजना अनवरत रूप से जारी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अगले 5 सालों के लिए पहले ही तय कर दिया है कि अगले 5 सालों तक भी ये खाद्यान्न योजना चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की दिव्य दृष्टि थी कि 50 करोड़ जनधन के खाते गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग आज हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके खातों में कोई कमीशन कटे हुए, किसी बिचौलियों को घूस दिए बिना सीधे डीबीटी से जितना पैसा भेजा जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। एक पैसे की भी कहीं कटौती नहीं हो रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए भी अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठाया और ग्रामीण क्षेत्र में आज आप स्वयं देखिए, जब ये इज्जत घर नहीं होते थे, शौचालय नहीं होते थे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 12 करोड़ देश के अंदर शौचालय बनाने का काम हुआ, इज्जत घर बनाने का काम हुआ। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, उज्ज्वला योजना का लाभ 10 करोड़ परिवारों तक देने का काम हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के मेले आयोजन करके 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम भी प्रारंभ हो गया है। रोजगार दिया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर भी। अभी महेंद्र भट्टी बता रहे थे कि प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी विभाग के चयन होने वाले अभ्यर्थियों को हम अपने हाथ से जिस दिन नियुक्ति पत्र प्रदान न करते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार एक काम चल रहा है। अब ये बताइए, एक प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आता होगा, आखिर ये सब काम आज ही क्यों हो रहे हैं, इन 10 सालों में ये काम क्यों हुए हैं। ये सब काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो केवल और केवल एक परिवार की जो चापलूसी करने में लगे रहते थे, उसी के चक्कर लगाते रहते थे, परिवारवाद को बढ़ाने का कार्य करते थे, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए मजबूर करने का काम भी इन्होंने किया। महिलाओं को चूल्हे में धुआं खाना बनाने पर मजबूर किया, उनको बीमार होने के लिए मजबूर किया, इलाज के अभाव में दम तोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन मोदी जी ने आज हमको इलाज की भी गारंटी दी है, आज हमको स्वास्थ्य की भी गारंटी दी है, आज उन्होंने हमें आवास की भी गारंटी दी है, आज उन्होंने स्वच्छ जल की भी गारंटी दी है, आज उन्होंने हर प्रकार से हमारी सर्वोच्च सब प्रकार की गारंटियां सुनिश्चित की है। हमने पिछले दिनों देखा मोदी जी का जो वाहन है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, गांव गांव गया, हर एक व्यक्ति जो लाभार्थी हो सकता था, जिसको योजनाओं का लाभ दिया जा सकता था, उन सभी को लाभ दिया जाने का काम हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है, उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को अपना परिवार माना है, हर गरीब को अपना परिवार माना है, हर मजदूर के परिवार को अपना परिवार माना है। इसलिए बिना रुके, बिना थके, 18 घंटे 20 घंटे बिना सोए अनवरत रूप से वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सारे फैसले लिए हैं, अभूतपूर्व कार्य किए हैं,
2014 से पहले विकास का इंजन किस प्रकार से ठप पड़ गया था, किस प्रकार से धीमा हो गया था, आज किस प्रकार सरपट विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से विकास तेजी आगे बढ़ रहा है। सड़कों की हालत कितनी खस्ता थी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये चार धाम ऑल वेदर रोड है या पूरे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का जो काम हुआ है ये 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज देश के अंदर 38 किलोमीटर सड़क प्रत्येक दिन बनाई जा रही है। पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए किस प्रकार इधर उधर भटकना पड़ता था, आज मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए IIT का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया IIM बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह यानी कि हर हफ्ते देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में दो नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं हर एक दिन देश में एक नए IIT का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी आपने देखा दो दिन पहले देश के अंदर जो CAA का कानून संसद में पास किया गया हमारे तीरथ जी उसके साक्षी बने, उस CAA को भी लागू कर दिया गया। अब बांग्लादेश से आए हुए विस्थापित हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, पारसी भाई, बौद्ध भाई, जिनका उत्पीड़न हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो हमारे देश के अंदर आए तो उनको भारत की नागरिकता देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इतना ही नहीं, धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हुई, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त नहीं हुई। कोई इतना इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, ये हिम्मत भी किसी ने की तो भारत माँ के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। इतना ही नहीं, हम सब लोग कहते थे, मैं भगवान गोपीनाथ की इस धरती पर कह सकता हूँ कि हम सब लोगों ने नारा लगाया होगा, हम सब गली में घूम घूम के कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, वो मंदिर बनाने का जो स्वप्न और संकल्प था वह भी अगर किसी के नेतृत्व में पूरा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। अगर हम बीते 10 वर्षों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक इतने काम हुए, अगर उसको गिनाएंगे तो कई घंटों लग जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार आप सबके लिए दिन रात काम कर रही है। मैं अपना भी सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है, और हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से चहुमुखी विकास उत्तराखंड का हो, हर क्षेत्र में विकास हो। आज हमने जहां 200 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया, अभी आज से 3 दिन पहले देहरादून में 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हमने उत्तराखंड के संपूर्ण विकास के लिए किया है। इतना ही नहीं, अगर मैं पिछले 2-2.5 महीनों की बात करूं तो 2-2.5 महीनों में हमने उत्तराखंड के हरेक जनपद में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उत्तराखंड के विकास के लिए किया है। प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है, इसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। हमने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ऐसे फैसले लिए हैं जो पहली बार लिए हैं। समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में अभी आदरणीय तीरथ जी ने बोला, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने बोला कि समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, जैसे माँ गंगा उत्तराखंड से निकलती है, ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री गंगा भी हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। नकल विरोधी कानून, इसके लागू होने के बाद किस प्रकार से हमारे उन भाइयों और बहनों के साथ न्याय हुआ है, किस प्रकार से उनकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के साथ उनको प्रोत्साहन मिला है, जब वो आज एक परीक्षा में पास होते हैं, एक के साथ दूसरी परीक्षा में पास होते हैं,
दूसरी के साथ तीसरी में होते हैं, तीसरी के साथ चौथी में होते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी मिले जो कई सालों से परीक्षा दे रहे थे लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था, अब पांच पांच परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो गया। भाइयों बहनों, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद लागू हुआ। धर्मांतरण कानून हमने बनाया है कि देवभूमि के अंदर देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, लैंड ग्यार अतिक्रमण जो था सरकारी जमीनों पर, कुछ ढांचे बना दिए गए थे और ढांचों के आधार पर सरकारी जमीनों को कब्जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को भी हमने समाप्त करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है और 3,500 एकड़ से ज्यादा जमीन आज हमारे अतिक्रमण से मुक्त करा दी है। पिछले दिनों दंगा हुआ था, दंगे के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई वहां पर की है, एक एक दंगाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर निकट भविष्य में कोई दंगा करेगा, कोई उपद्रव करेगा, कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो हमने तय कर दिया है, कानून बना दिया है कि अब उस संपत्ति की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी, एक एक पाई क्या जो है हिसाब उससे लिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आप सब मेहनती और कर्मठ हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ आए हैं, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सबके बीच में जब जब भी हम आते हैं तो आप सबसे एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा यहाँ से मिलती है, नई ताकत मिलती है, क्योंकि आप सबके बीच में से निकलकर हम सब भी सामान्य परिवारों से आज आप सबके बीच में सेवा करने के लिए ये दायित्व पर पहुंचे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। और इसी पार्टी में आपने देखा होगा महेंद्र भट्टी यही आप सबके बीच में रहे, अरविंद तीरथ जी पता नहीं कहां कहां झोला लेकर कहां से कहां गए, हमारे विधायक गण हमारे मंच पर बैठे हुए सब लोग ये आज नेतृत्व के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। ये अगर किसी पार्टी में संभव होता है तो हमारी पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में ही ये सम्मान मिल सकता है। और आज भारत का एकमात्र संगठन है जिसका कार्यकर्ता हमारा बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख का काम कर रहा है, और जब चुनाव आता है तो ये नहीं देखता कि चुनाव कब आने वाला है, वो हमेशा तैयार रहता है, अपना योगदान देता है, क्योंकि उसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है, अपना हित हमेशा उसका पीछे होता है। हमारी पार्टी में हमेशा ये सिखाया जाता है, एक हमारी नीति पद्धति है कि अपने लिए कभी नहीं सोचना है, उसके लिए पार्टी स्वयं सोचती है, हमेशा देश के लिए पहले सोचना है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आप सब लोगों ने पहले के सारे जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के कारण ही आज पार्टी का जो आधार है वो सुदूरवर्ती जातियों तक फैल चुका है। पहले जब लोग सोचते थे कि इन क्षेत्रों में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, आज वहां पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं। कुछ ही समय बाद अब चुनाव आने वाला है, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, जब यहाँ बद्रीनाथ आए थे, माड़ा आए थे, तो उन्होंने मांगल गीत गाने वाली हमारी सभी बहनों से संवाद किया था, स्वयं सहायता समूह की जो बहनें स्टॉल लगाई हुई थी उनसे एक एक चीज की जानकारी करी थी, और जब मैंने उनको नमक दिखाया था मैंने कहा ये पीसा हुआ नमक है, तो उन्होंने कहा ये नमक तो मुझे पहले कभी खिलाया ही नहीं, तो हमारी बहनों का वो नमक भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां प्रधानमंत्री आवास में रखा और उस नमक को भी उन्होंने अपने भोजन में सम्मिलित किया। इतना लगाओ, आपने देखा होगा जो हमारे मधुबी जी टोपी पहने हैं धर्म कमल वाली, ये टोपी भी आज पूरे देश में नहीं दुनिया में विश्व प्रसिद्ध टोपी हो गई, इसको विश्व प्रसिद्ध बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 2022 के लाल किले में जो 26 जनवरी के ध्वजारोहण के समय में उन्होंने इसी टोपी को धारण किया था। तो भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में उनका काम है। आज अगर यहाँ पर चार धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, इतना विकास हो रहा है, एक कोने से दूसरे कोने तक का विकास हो रहा है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, आज केदारनाथ का पुनर्निर्माण नवनिर्माण हो रहा है, हमारे चारों धाम बन रहे हैं, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, आदि कैलाश तक आज मास्टर प्लान बन रहा है,
ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हवाई सेवाएं तेजी से आगे बढ़ रही, हर एक जनपद तक हम हवाई सेवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल सेवा यहाँ से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत तेजी से काम हो रहा है। अगर मैं उनके काम गिनाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पांचों लोकसभा के सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2014 में भी आपने पांचों सांसद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से एक तरफा उनको विजय श्री प्राप्त हुई थी। 2019 में भी पांचों सीटें विजय श्री प्राप्त हुई थी। और लेकिन 2014 और 2019 में अंतर क्या था कि 2014 में जितने मत मिले थे 2019 में उससे ज्यादा मत मिले हैं, क्योंकि 5 सालों में तेजी से काम हुआ तो मत भी बढ़ गए। तो 2019 से 2024 तक और तेजी से काम हुआ है, डबल इंजन तेजी से काम कर रहा है। आप सब उस पे साक्षी हैं, आप सब देख रहे हैं। इसलिए 2024 में 2019 से ज्यादा मत मिलने चाहिए। यह हम सब के लिए चुनौती भी है। हमें लोकसभा के इस पुण्य अभियान में पूरे मनोयोग के साथ जुटना है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस विकल्प रही संकल्प को चरितार्थ करना है। जब तक केंद्र और राज्य की सरकारों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, मैं आपसे संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे अधिकारीगण हर एक को जनता की सेवा में लगेंगे। हमारी बहनें लखपति दीदी बन रही हैं और बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बहन रामेश्वरी जी ने कहा कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं। यही जज्बा है, यही हमारे आने वाले उत्तराखंड का भविष्य है कि हमारी बहनें हमारी मातृशक्ति तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और तीसरी महाशक्ति, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, इस काम में उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने भी राम सेतु के निर्माण में जिस प्रकार से गिलहरी का योगदान रहा है, उसी प्रकार से हम सब उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि के लोगों को अपना योगदान सुनिश्चित करना है। हम पूरे मनोयोग से इस काम को करेंगे। अंत में मैं आज मेरे सामने बहुत सारे यहाँ पर प्रस्ताव आए हैं मेरे माननीय दोनों विधायकगणों ने, हमेशा ही हमको कहते ही रहते हैं, जब देहरादून आते हैं तब भी कहते हैं, यहाँ आते हैं तब भी कहते हैं और ये बनाते हैं। मंच पर हमारी पुष्पा बहन जी बैठी है, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, नकुल जी हैं, बढ़िया जी हैं, सारे लोग, ये लोग हमेशा मुझे देते रहते हैं। मेरा भी प्रयास रहता है इस जनपद के साथ, मेरा भी बड़ा लगाव है। मुझे लगता है कि मैं भी यहीं से बड़ा हुआ हूँ। आप सबके बीच में जितना मैं आप सबका प्रेम देखता हूँ, तो मैंने ये सारे जितने भी प्रस्ताव आए उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। 2-3 चीजें जैसे यहाँ पर अभी महेंद्र जी ने कुछ घोषणा भी कर दी है, वो घोषणा में हम लोग तुरंत उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जनपद चमोली के विकासखंड जसोली में जो गोपेश्वर मंदिर मार्ग से बैतरणी सिरखोमा सेटुना बैरागाना मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से लेकर सेटुना तक मोटर मार्ग का निर्माण, इसकी प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। कर्णप्रयाग में लामबगड़ के अंतर्गत इन्होंने दिया है गंगानगर माई मंदिर से भैरवचोक तक विकासखंड चमोली पर रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। थरानी विधानसभा में 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। थराली विधानसभा क्षेत्र में थराली कुलसारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी जनहित में स्वीकृति की जाएगी। अंत में मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए इस आयोजन के लिए, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबका आशीर्वाद मिला और हमारे जिला प्रशासन के लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इसका आप सबके साथ मिलकर